हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है IBPS RRB PON क्लर्क 2024, जो कि आपके अगस्त में एग्जाम है स्टार्टिंग में ही। इसकी 30 दिन अब लगभग अपने पास अब बच गई है। इस 30 दिन में हम कैसे करें, इस 1 मंथ का 1 मंथ की प्रिपरेशन में हम किस तरह से एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, ये हम आज स्ट्रैटेजी जानेंगे। बहुत लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो लोग एकदम अपने आखिरी पड़ाव पे हैं। तो ये आखिरी के 30 दिन वो लोग क्या करें, और जो लोग ने की प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं हुई वो लोग क्या करें, तो इस चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें हम पहले देख ले, क्योंकि स्ट्रेटेजी से पहले आपको भी पता होता है कि दो चीजें हमको करनी होती है। प्रीवियस ईयर देखना होता है, कट ऑफ कैसा गया, तो एक बार वो हम लोग देख लेते हैं कि पैटर्न आपका क्या है। पहले तो पैटर्न समझिए। पैटर्न रीजनिंग 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, 40 मार्क्स करेगा। टोटल ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स में रीजनिंग और मार्क्स दोनों करनी है, राइट। अब क्वेश्चन का पैटर्न देखिए किस तरह से आया था। पजल्स की बात करिए, हम पीओ को देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, पांच सीटिंग और पजल था, यानी 5 10 15 20 23। हमने पहले भी बोला है कि 20 से 25 मार्क्स का आपका सीटिंग पजल आएगा, और बाकी रेस्ट जो है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में इनइक्विटी, सिलॉजिज्म, स्लॉट वाइज ही अलग अलग आता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बाकी रिमेनिंग। तो ये रिमेनिंग क्वेश्चंस तो हम लोग पूरा कर सकते हैं। इस रिमेनिंग क्वेश्चंस में तो हम 100% स्कोर कर सकते हैं, राइट। और इस 100% स्कोर जितना कम टाइम में करें, ये हमने स्ट्रेटजी आपको पहले भी बताई थी। तो बाकी आपका ये पजल एंड सिटिंग है, 20 से 25 आएगा। बाकी कट ऑफ की बात करते हैं, तो आप अपने अपने स्टेट का देख सकते हो कट ऑफ किस तरह से कट ऑफ गया था। प्रीलिम्स का कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ क्या जाना है हमको, आउट ऑफ 80 जाना है, ठीक है। तो कट ऑफ कहीं कम है तो कहीं बहुत ज्यादा भी है, बट आपको अपनी प्रिपरेशन याद हमेशा करनी है। क्या 65+ पीओ में हमेशा स्कोर करना है। हम तो बोलते हैं कि मॉक में 70+ स्कोर करो, पीओ में तो आप 65 60 इस तरह से आके पढ़ोगे कहीं ना कहीं, है ना। तो इसलिए ये आप देखिए पीओ में आपका स्कोर कैसा होना चाहिए। इसके बाद क्लर्क की बात करते हैं, तो क्लर्क में भी सेम पैटर्न है ना, 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स का है, ओवरऑल 45 मिनट्स रीजनिंग और मार्क्स दोनों में मिलेगा आपको। बाकी अगर आप इसमें देखो सिटिंग पजल में, तो देखो 19 से 20 क्वेश्चन, हमने आपको पहले भी बोली है 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं क्लर्क में। बाकी मिसलेनियस होता है, तो इसमें मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें आपको 100% स्कोर करना है, ठीक है। इसके अलावा कट ऑफ की बात कर लेते, तो आप देख पा रहे हो 75 भी कट ऑफ जा रहा है, राइट। 75 पॉइंट, मतलब आप ये मान के चलो कि 75+ आपको मॉक में स्कोर करना ही करना है, इससे कम नहीं। अब जो आप मॉक दोगे, ठीक है, यहां आपको पहुंचना ही है, ठीक है, तब आप कहीं जाकर के। अब देखो स्टेट वाइज सबका अलग अलग है, सब आप सभी लोग अलग अलग स्टेट से अप्लाई किए होंगे ऑब्वियसली, तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको। अब जरूरी नहीं है कि अब आप देख रहे हो कि आंध्र का तो 54 ही था कट ऑफ, तो हमको ज्यादा पढ़ना नहीं अगर हम आंध्र प्रदेश से, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि कट ऑफ बढ़ भी जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करते हैं, अब आखिरी के 30 दिन है। इस 30 दिन में आपको पहले तो सबसे पहला फोकस आपका किस पे जाना चाहिए, मॉक टेस्ट पे, मॉक टेस्ट। लेकिन मॉक टेस्ट में याद रखिए, आप दोनों लगाइए, सिर्फ प्री मत कीजिएगा, प्रीलिम्स का भी मॉक टेस्ट लगाइए और मेंस का भी। वीक में एटलीस्ट मेंस के 2 पेपर आप वीकली कीजिए, एटलीस्ट, एटलीस्ट बोल रहे हैं, इससे ज्यादा आप कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। प्रीलिम्स की बात करें, डेली 2 पेपर्स आप लोग प्रीलिम्स के कीजिए, 2 पेपर्स, और 1 पेपर जो बहुत अच्छा पेपर अभी प्रैक्टिस कर चुके, 1 पेपर भी करेंगे तो भी चलेगा, ये एक होना चाहिए आपका मोटिव। दूसरा आपका मॉक टेस्ट किया, मॉक टेस्ट का एनालिसिस ये आपका काम है, यानी कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, कहाँ गलत हुए, कैसे गलत हुए, ये आपको करना है। देखिए 30 दिन, ये आपको अब आज 1 तारीख है, आज आज सॉरी 2 तारीख है, तो आज से आप ये स्ट्रेटजी यूज कीजिए। 30 तारीख तक फॉर्म फिलअप हो चुका है, आपके IBPS क्लर्क का भी आ चुका है, तो फिर इसकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आप वहां पर भी प्रिपेयर कर पाओगे। तीसरी, एनालिसिस करने के बाद जो चैप्टर्स हैं रिवीजन भी करते चलिए। कौन से चैप्टर्स का रिवीजन करें, जो
आपके लिए टफ हो, आपके लिए जिसमें लगे कि यस ये टफ है हमारे लिए। पजल सिटिंग तो आप लोग बोलोगे ही, आई नो कि वो टाइम ज्यादा लेता है, यही प्रॉब्लम आती है पजल सिटिंग में। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको रखनी होगी। अब जैसे मान ली ऑर्डर रैंकिंग है, कुछ ट्रिक्स हैं उनको प्रैक्टिस करो। आप लोग अलग से नोट्स बना के रख रहे होंगे ट्रिक्स के लिए, ठीक है। चौथा, डाउट सेशंस करो, डाउट्स पूछो, ठीक है। डाउट सेशन आप लोग जरूर कीजिए, डाउट्स जरूर 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 पूछिए सभी लोग, ठीक है। डाउट सेशन जरूर कीजिएगा, जो आपको एप्लीकेशन पे, आपको ऐप पे मिल जाती है 24/7 डाउट रेजोल्यूशन। आप यहाँ भी हेल्प ले सकते हो, आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जैसे हो। आपको बस अब प्रिपरेशन करनी है, कोई बहाना नहीं चलने वाला। 30 दिन है, ये 30 दिन, बस ये सोचो ये 30 दिन अगर आप सब कुछ भूल के सिर्फ प्रिपरेशन करोगे तो आने वाले आपके जितने भी साल है कितना अच्छा जाने वाला है, कोई टेंशन नहीं। बाकी आप लोग आगे और पढ़ोगे, गवर्नमेंट जॉब लोगे, वो अलग बात है, लेकिन ये आज जो प्रेशर झेल रहे हो वो प्रेशर नहीं झेलोगे एटलीस्ट आप। तो डाउट सेशंस आप करो जितना हो सके। तो ये सारे अगर आप प्रोसेस यूज कर रहे हो ना एक बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए, रीजनिंग के लिए। बाकी आप लोग करंट अफेयर्स, जीए का करंट अफेयर्स रिवीजन करोगे, हम सिर्फ रीजनिंग के लिए बता रहे, क्योंकि पूरे दिन में आपको सारे सब्जेक्ट्स करने होते हैं, इसलिए एटलीस्ट आप ये ऊपर वाले 3 सेशन 3 काम करते हो और डाउट्स अपने पूछते रहते हो। चाहे आप फ्रेंड्स में पूछो, जरूरी नहीं कि अगर टीचर्स से नहीं पूछ पाए तो फ्रेंड्स में पूछो, अपने ग्रुप में पूछो, जैसे हो। मतलब जो डाउट हो उसको मन में मत रखो, डाउट्स क्लियर करो, ठीक है। नहीं होगा तो डाउट सेशंस ले लेंगे हम, वो डाउट्स करो, ठीक है। तो ये सारे सेशंस अगर आप करते हो, अटेंड करते हो इन सेशंस को, तो ये सारी चीजें ये आपको बहुत फायदा देगा। अब डेली मॉक टेस्ट दिमाग में आता होगा कैसे करें, पेपर बनाए कैसे। तो डेली 11 AM पे आप मॉक टेस्ट ही हम करवा रहे हैं, 25 days 25 पेपर, 11 AM पे भी मॉक टेस्ट ही हो रहा है, आप क्लासेस करते ही हो। तो ये मॉक टेस्ट करने के बाद अगर आप एक पेपर लगा रहे हो ना बाद में, वो भी इनफ है। 11 बजे की करो, 1 PM के सेशंस करो। 1 PM पे हम लोग मेंस का भी देखते हैं, है ना, 2 दिन मेंस भी देखते हैं और मिसलेनियस क्वेश्चन, ये 2 चीजें हैं, तो ये भी आप करो, राइट। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 11 AM 1 PM की क्लासेस करो, 4 PM एंड 8 PM एप्लीकेशन पे क्लास होती है, जिसमें 4 PM पे चैप्टर वाइज बेसिक से पूरा फाउंडेशन चल रहा है, ये आपको IBPS क्लर्क PO में भी काम आएगा। और 8 बजे हम लोग क्रैश कोर्स कर ही रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं उसमें। 8 PM पे वैसे भी पसल का रिविजन चल रहा है, तो आप अटेंड कर सकते हो 8 PM के सेशन को एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ये सारा आपका स्ट्रैटेजी है, ये 30 दिन में आपको सिर्फ यही काम करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, और चैप्टर्स जो टफ लगते हैं उसको एक बार रिवीजन कर लो, कुछ क्वेश्चंस उसके ज्यादा क्वेश्चंस बना लो। जैसे अगर किसी का सिलोजिज्म में डाउट है, सिलोजिज्म ज्यादा बनाओ, एक दिन में 8-10 क्वेश्चन बना लो जिस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है आप। वैसे अगर आप ये मॉक टेस्ट भी लगाओगे ना, ये जो छोटे छोटे डाउट्स भी है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे, अगर आप लाइव टेस्ट जैसे क्लास लाइव क्लासेस में टेस्ट लगा रहे हो तो, क्योंकि वहां पे आपके डाउट्स है तो इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, आपको बैठ के नहीं वेट करना पड़ता कि आपको सॉल्यूशन कब मिलेगा, राइट। तो ये चीजें बस इतना काम करो, एग्जाम नहीं निकलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आप सीरियसली ये काम कर रहे हो। ये 30 दिन भी अभी आपके पास है, ये भी इनफ है, आप कर सकते हो, सफिशियंट है आपके लिए, अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं डेली मंडे टू फ्राइडे हम लोग 11 बजे और 1 बजे मिलते हैं, 4 बजे और 8 बजे एप्लीकेशन पे, 11 और 1 बजे यूट्यूब पे मिलते हैं। और साथ ही साथ सैटरडे संडे हम लोग मैराथन में मिलेंगे, तो अब मैराथन आपके लिए चल रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ये 30 दिन में क्या पढ़ना है, अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो ये सेशन जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर इतना आप करोगे आप खुद देखोगे रिजल्ट, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप खुद बोलोगे कि हमने ऐसा किया था और एग्जाम निकल गया, ठीक है। थैंक यू ऑल।